नमस्कार, वेलकम टू स्किल ट्यूल में संदीप रे, चैलेंजेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूटर्स आरओआई विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, एंड ऑल्सो हम लोग हाईलाइट करेंगे दोस कॉमन मिस्टेक्स को जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है ड्यूरिंग आवर कंसल्टिंग असाइनमेंट्स सेल्स ऑफिसर को करते हुए, उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। आरओआई में सबसे पहले जो आता है दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ आरओआई। आरओआई का फॉर्मूला क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया गया बिकॉज आरओआई इज ऑलवेज अ परसेंटेज। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग निकालेंगे दैट इज द इनकम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखिए, इनकम इज सेल्स और द टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय द मार्जिन परसेंटेज, जो मार्जिन परसेंटेज कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, दैट इज वॉट एवर 4%, 5%, 6% जो भी है। ज़्यादातर टाइम हम लोगों ने ये देखा है कि सेल्स ऑफिसर क्या करता है, जो उसका सेल्स है, सपोज उसका सेल इज 10 लाख और उसको मार्जिन कंपनी से मिला हुआ है 5%, तो वो क्या करता है, वो 10 लाख को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता है 5% से और 50,000 ही टेक्स एज द इनकम, जो कि इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू अस, बिकॉज इन स्किल टू विल, एज स्किल टू विल कंसल्टेंट्स, वी ऑलवेज टेक डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन ऑन मार्क अप बेसिस। आप जब भी डिस्ट्रीब्यूटर को स्टॉक देते हो, सपोज आपने डिस्ट्रीब्यूटर को 1 लाख का स्टॉक बेचा, तो आप क्या बोलते हो कि ये 1 लाख के ऊपर आप 5% लगाओगे, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट ना, तो ये मार्कअप में होता है। लेकिन जब आप उसका सेल्स के ऊपर 5% डिडक्ट कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन ऑन मार्क डाउन बेसिस, विच इज नॉट राइट। सो मार्कअप में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, सपोज द सेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज 10 लाख, मार्कअप मार्जिन इज 5%। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटर का परचेज प्राइस कितना था, जो 10 लाख का सेल हो उसका परचेज प्राइस कितना था। सो मार्कअप में हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, 10 लाख डिवाइडेड बाई 1.05। ये ऐसे क्यों है, इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया इन अ मार्कअप मार्कडाउन का वीडियो जो हम लोगों ने बनाया है, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, देयर वी हैव एक्सप्लेन दिस। तो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का लैंडिंग या परचेज प्राइस इज कमिंग टू 9,52,381। ये उस चीज़ का खरीद का प्राइस है, परचेज प्राइस है, जिस जो उसने बेचा है, मतलब 10 लाख का सामान उसने बेचा है उसी का ये परचेज प्राइस है। तो इनकम कितना हो गया, 10 लाख माइनस दिस परचेज प्राइस, विच इज इक्वल टू 47,619। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एक्सपेंसेस पार्ट। एक्सपेंसेस में यहाँ पे हम लोगों ने तीन ही आइटम लिया, विच इज सैलरी, फ्यूअल, रेंट। और भी बहुत चीज़ आता है एक्सपेंसेस के अंदर, इनकम के अंदर भी बहुत चीज़ आते हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बहुत चीज़ आते हैं, जिसका आपको लिस्ट और एक वीडियो में मिल जाएगा, नीचे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। नाउ हियर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी हैव टेकन सैलरी, जो सेल्समैन का सैलरी है, डिलीवरी बॉय का सैलरी है, गोडाउन मैनेजर, गोडाउन और भी जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में स्टाफ है उनका सैलरी। फ्यूएल मतलब जो डिलीवरी व्हीकल हमारा प्रोडक्ट दुकानों में दुकानदारों को डिलीवरी करने जाता है उसका फ्यूएल कॉस्ट। और रेंट हमने लिया, मतलब जिस गोडाउन के अंदर हमारा स्टॉक पड़ा रहता है उसका जो रेंट है मंथली, वो हमने कभी कभी देखा है कि सेल्स ऑफिसर ये सारे एक्सपेंसेस को टोटल मारता है कि भाई सैलरी कितना, फ्यूल कितना, रेंट, एंड दे टेक ऑल द एक्सपेंसेस एज इट इज, जो कि नहीं लेना चाहिए। हम लोग उतना ही एक्सपेंसेस लेंगे जितना कि हमारा सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स टर्नओवर है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। सपोज डिस्ट्रीब्यूटर का ओवरऑल टर्नओवर इज 20 लाख, उस वो और भी 3, 4, 5 जो भी है कंपनी के साथ डील करता है, 20 लाख का सेल्स जो करता है डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा प्रोडक्ट का कितना सेल होता है, 10 लाख का, मतलब 50% सेल्स हमारा होता है। मतलब जो सेल्समैन दुकानों में जाता है ऑर्डर लेने के लिए, वो हमारा नहीं बाकी कंपनी का भी ऑर्डर ले रहा है। जो डिलीवरी व्हीकल डिलीवरी करने जा रहा है वो हमारा नहीं बाकी कंपनी का भी कर रहा है। जो गोडाउन में हमारा प्रोडक्ट रखा हुआ है वो उसमें भी बाकी कंपनी का रखा हुआ है। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी 50% देन, राइट, क्योंकि वो शेयर्ड है। ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर
शेयर्ड होता है, वो एक कंपनी के साथ तो काम नहीं करता है, बाकी बहुत सारे कंपनी के साथ काम करता है। अगर वो एक्सक्लूसिव होता है देन वी टेक 100%, अदरवाइज वी टेक इट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द सेल। तो यहाँ पे हमने देखा कि 50% हमारा बिजनेस होता है। सो सपोज सैलरी इज 20,000, फ्यूल इज 10,000 एंड रेंट इज 30,000, तो टोटल एक्सपेंसेस 60,000, उसका हम लोग 50% ही लेंगे एंड दैट इज 30,000। तो इस तरीके से हम एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं। तो नेट इनकम कितना हुआ, जो हमारा इनकम था विच इज़ 47,619 माइनस 30,000 विच इज इक्वल टू 17,619, ये हो गया हमारा नेट इनकम विच इज़ यू कैन ऑल्सो से प्रॉफिट। अब आता है मेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर इज एन इन्वेस्टर, उसने आपका कंपनी में अंदर स्टॉक के जरिए और भी चीज़ों के जरिए इन्वेस्टमेंट किया है, देन ही एक्सपेक्ट सर्टन रिटर्न। तो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, इन्वेस्टमेंट में आता है स्टॉक विच इज़ द एवरेज स्टॉक होल्डिंग एट द डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, जो कि एवरेज मार्केट क्रेडिट देते हैं, मतलब दुकानदारों को जो उधारी देते हैं, दैट इज मार्केट क्रेडिट, एंड क्लेम्स मतलब जो एक्सपायरी या फिर जो वो ट्रेड स्कीम चलाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, उसका जो क्लेम बनता है दैट क्लेम। और कुछ कुछ सेल्स ऑफिसर मैंने देखा है, अगर उसने व्हीकल परचेस किया है या फिर गोडाउन परचेस किया है तो वो भी वो जोड़ देता है, पूरा परचेस प्राइस उसमें आ जाता है, विच इज़ नॉट द करेक्ट थिंग टू डू इसमें, क्योंकि भाई देखिए व्हीकल खरीदना बेचना FMCG कंपनी का काम नहीं है, गोडाउन खरीदना बेचना FMCG कंपनी का काम नहीं है, दिस इज़ अ प्री रिक्विजिट, ये पहले से डिस्ट्रीब्यूटर के पास होना चाहिए तभी वो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। हमारा काम है स्टॉक देना, वो स्टॉक आगे लेके जाएगा, उसके जरिए जितना भी खर्चा है वो हम लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में सपोज फॉर एन एग्जाम्पल स्टॉक वो एवरेज महीने में 5 लाख का स्टॉक रखता है, मार्केट क्रेडिट वो महीने में एवरेज 5 लाख का देता है, क्लेम्स उसका 1 लाख का करीब बनता है, तो इन्वेस्टमेंट टोटल कितना हो गया, 11 लाख का हो गया उसका टोटल इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज द ROI, ROI का आप तीनों आपको नंबर्स मिल गया है विच इज़ इनकम माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज़ कमिंग टू 1.6% फॉर दैट मंथ, क्योंकि हर चीज़ हम लोगों ने मंथ का लिया ना, तो ये मंथ का 1.6, इसको हम लोग एनुअलाइज करेंगे, मतलब 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे, वी गेट 19% ROI। नाउ दिस 19% इज गुड और बैड, इफ द ROI इज 2 to 3 times ऑफ द बैंक इंटरेस्ट रेट देन वी कंसिडर इट एज अ गुड ROI। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट इज अराउंड 7%, तो एनीथिंग अबव 20-21% वी कंसिडर इट एज अ गुड ROI। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल केस स्टडी करना है तो देन वी हैव दिस पर्टिकुलर केस स्टडी इन अ डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट कोर्स, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, यू कैन ट्राई दैट। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल बी हैपी मोर वीडियोज़, थैंक यू।